गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम आगे अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे स्ट्रक्चर। अभी हमने देखा था होमो पॉलीसेकेराइड और हेट्रो पॉलीसेकेराइड्स और उनके टाइप्स। अब हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सेल्युलोज प्लांट सेल वॉल में पाए जाने वाले डी ग्लूकोज इकाइयों यानी यूनिट्स का सबसे नियमित और प्रचुर मात्रा में पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब क्या हो जाता है? जब बहुत सारी मोनोमर आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। और यह आमतौर पर लिग्निन से संबंधित होता है। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक संयोजन ग्लूकोज इकाइयों के को एक साथ रखते हैं। प्रबल HCl सेलुलोज को ग्लूकोज मोनोमर्स में तोड़ दिया जाता है। सेलुलोज किस में टूट रहा है? ग्लूकोज मोनोमर्स में। ठीक है, मोनोमर्स जब जुड़ते हैं तब क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। पॉलीमर क्या हो गया? सेल्युलोज हो गया, है ना। तो सेल्युलोज को जब तोड़ेंगे तो वो किस में टूटेगा? मोनोमर्स में टूट जाएगा, है ना। जब हम इकट्ठी किसी चीज़ को तोड़ेंगे तो वो एक एक में टूटेगी ना, इसी तरह से। जबकि मध्यम HCl सेलोबायोस को डाइसेकेराइड टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। जबकि सेलोबायोस को किस में तोड़ रहे हैं? डाइसेकेराइड में। सेल्युलोज को किस में तोड़ा था? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या हो गया? मोनोसेकेराइड, है ना, और मोनोमर्स में तोड़ दिया जाता है। इसको डाइसेकेराइड में तोड़ रहे हैं, किसको? सेलोबायोस को। ठीक, नेक्स्ट है स्टार्च। सेल्युलोज के बाद में क्या आ जाता है? स्टार्च। स्टार्च जो दो रूपों में आता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। इससे पहले अभी हमने पढ़ा था। पौधों में उपस्थित पॉलीसेकेराइड का एक महत्वपूर्ण संग्रह रूप है। अच्छा, पॉलीसेकेराइड किस रूप में पौधों में स्टोर रहता है? स्टार्च के रूप में, है ना। एमाइलोज 250 to 300 ग्लूकोज अवशेषों से बना होता है। कितने? 250 से लेकर 300 ग्लूकोज के अवशेषों से मिलकर बना होता है क्या? एमाइलोज, जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा एक साथ जुड़ते हैं। एमाइलोज श्रृंखलाएँ अशाखित और कुंडलित होती हैं। एमाइलोपेक्टिन अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ एक ग्लूकोज पॉलीमर है जो बड़े पैमाने पर शाखित होता है। लगभग 12 ग्लूकोज अवशेषी वाली पार्श्व श्रृंखला मुख्य श्रृंखला से जुड़ी होती है। ब्रांचिंग नोड्स में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक कनेक्शन होते हैं। इसके बाद आ जाता है ग्लाइकोजन। ये क्या है? यह संग्रह पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन होने के कारण लीवर और मांसपेशियों में, मसल्स सहित विभिन्न प्रकार के जंतुओं के ऊतकों में होता है। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? यह कलेक्ट होने वाला पॉलीसेकेराइड है ग्लाइकोजन, जो कि कहाँ पर? लीवर में और मसल्स में स्टोर होता है, और साथ ही टिश्यूज़ में। ये एक पॉलीमर है। पॉलीमर क्यों है? क्योंकि बहुत सारे मोनोमर्स से मिलकर बना होता है ना, पॉलीसेकेराइड है ये, जो प्रति शाखा उपस्थित लगभग 8 से 10 ग्लूकोज इकाइयों के साथ शाखित होता है, मतलब ब्रांच्ड होता है। कितने? 8 से 10 ग्लूकोज की यूनिट्स के साथ में ये ब्रांच्ड होता है। ग्लाइकोजन की रेखित श्रृंखलाएं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंक द्वारा एक साथ रखी जाती हैं, जबकि शाखाएं अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा मुख्य श्रृंखला से जुड़ी होती है। इसलिए इसकी रासायनिक संरचना एमाइलोपेक्टिन के समान होती है, लेकिन यह अधिक शाखा वाली होती है। ठीक है, यह हुआ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जैसे कि हमें पता है कि ग्लूकोज जो है हमारी लीवर में कहाँ किस रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। जब हम खाली पेट होते हैं या हम भोजन नहीं करते हैं या व्रत करते हैं, उस समय क्या होता है? हमारा यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और हमें एनर्जी देने का काम करता है, और साथ में हमारे फैट को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्लाइकोजन क्या होता है? ये हमारे लीवर में और मसल्स में, टिश्यूज़ में स्टोर रहता है, ये स्टोरिंग होता है। इसके बाद आ जाता है इनुलिन। इनुलिन क्या है? ये भी एक पॉलीफ्रक्टोसन है जो कि 2-1 लिंक के साथ फ्रक्टोज फ्यूरानोसाइट्स से बना होता है और एक पौधा पॉलीसेकेराइड है। डहलिया और आर्टिचोक ट्यूबर साथ ही डेंडेलियन की जड़ें इनुलिन को संग्रहित करती हैं। प्याज और लहसुन में भी इनुलिन पाया जाता है। ठीक है, ये मेनली क्या है? प्लांट्स में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। इनुलिन का आणविक भार लगभग 5,000 है और इनुलिन के प्रत्येक अणु में 30 से 35 फ्रक्टोज इकाइयां होती हैं।
पौधों में इनुलिन का संश्लेषण के लिए एक बीटा डी फ्रक्टोज इकाई के कारण परमाणु दो पर उपस्थित ग्लाइकोसिडिक OH ग्रुप और निकटवर्ती बीटा डी फ्रक्टोज इकाई के कार्बन परमाणु एक पर एल्कोहल OH समूह से जल के अणु को हटाने की आवश्यकता होती है। इसके बाद है मेनन्स। इसमें क्या होगा, ये क्या होते हैं, मेनन्स जीवाणु ईस्ट और कुछ अन्य पौधों की कोशिका भित्ति में उपस्थित रेखीय पॉलीसेकेराइड को मेनन्स के रूप में जाना जाता है। किसको, जीवाणु ईस्ट और कुछ उच्च पौधों यानी हायर प्लांट्स की सेल वॉल में उपस्थित रेखीय यानी लाइनर पॉलीसेकेराइड्स को किस रूप में जानते हैं, मेनन्स के रूप में जानते हैं। ये अल्फ़ा 1-2 और अल्फ़ा 1-3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की उपस्थिति के साथ मेनोस इकाइयों से बने होते हैं। मेनन्स किससे बने होते हैं, मेनोस इकाइयों से, यूनिट से मिलकर बने होते हैं। कुछ उदाहरणों की शाखाएं वाले मेनन्स भी देखे गए हैं, मतलब ब्रांच्ड लाइनर की जगह ब्रांच्ड भी मेनन्स देखे गए हैं। इसके बाद है हायर ल्यूरोनिक एसिड और म्यूरोपेप्टाइड्स। हाइलुरोनिक एसिड क्या होते हैं, यह एसिड एक अनियंत्रित पॉलीमर के रूप में होते हैं यानी अनकंट्रोल्ड पॉलीमर होते हैं जो बार बार ग्लूकोरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन डाइसेकेराइड्स इकाइयों से बने होते हैं। हाइलुरोनिक एसिड किससे मिलकर बने होते हैं, पहले तो ये क्या होते हैं, कैसे वो पॉलीमर होते हैं, अनियंत्रित यानी अनकंट्रोल्ड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, और किससे बने होते हैं, ये बार बार डिवाइड होकर ग्लूकोरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन डाइसेकेराइड यूनिट से मिलकर के ये बने होते हैं। ये रसायन कई जंतुओं के कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतकों में पाया जाता है जिसमें श्लेष द्रव यानी म्यूकस, आँख का नेत्र काचाव द्रव और त्वचा शामिल होती है। मतलब स्किन में पाए जाने वाला जो लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, वो आँख में पाया जाने वाला और साथ में म्यूकस फ्लूड इसमें इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद है म्यूरोपेप्टाइड। म्यूरोपेप्टाइड क्या होते हैं, जिन्हें पेप्टिडोग्लाइकेन्स के रूप में भी जाना जाता है। म्यूरोपेप्टाइड को और क्या कहते हैं, हम पेप्टिडोग्लाइकेन्स भी कहते हैं। जीवाणु कोशिका भित्ति में उपस्थित होते हैं और बीटा 1-4 ग्लाइकोसिडिक कनेक्शन के साथ एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल न्यूमेरिक एसिड की पुनरावृत्ति इकाइयों के बने होते हैं यानी दोबारा जो उसकी इकाइयां बनी हैं एन एसिटाइल म्यूरिक एसिड की, उसके द्वारा ये बने होते हैं। इसके बाद है टिकोइक एसिड। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में टिकोइक एसिड सामान्य होते हैं। कहाँ मिलता है टिकोइक एसिड, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में जो कोशिका भित्ति के कुल शुष्क वजन यानी ड्राई वेट के लगभग 20-50% हिस्सा होते हैं। कौन होते हैं, टिकोइक एसिड उसके सेल वॉल के ड्राई वेट जो होता है उसका 20-50% भाग होते हैं। पॉलीमर डी एलेनिन और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन यूनिट से मिलकर बना होता है। किससे बना है, ये पॉलीमर डी एलेनिन और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन यूनिट से मिलके ये बना होता है जो एक ग्लिसरॉल बैकबोन द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। एसिड का एक अन्य रूप वह है जिसमें बैकबोन राइबिटोल से बनी होती है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस और कोशिका भित्ति में इस प्रकार का प्रचलन होता है। इसके बाद है हिपेरिन। हिपेरिन एक प्रकार का हेट्रोपॉलीसेकेराइड है जो एक थक्का रोधी के रूप में कार्य करता है यानी किसके रूप में, एंटी कगलेंट के रूप में काम करता है। अणु ग्लूकोसामिन एन सल्फेट इकाइयों से बना होता है जो कि ग्लूकोरोनिक एसिड सल्फेट एस्टर से जुड़ा रहता है। इसके बाद है काइटिन। काइटिन एक रेखीय सम पॉलीसेकेराइड यानी होमो पॉलीसेकेराइड है जो कवक की कोशिका भित्ति सेल वॉल और आर्थ्रोपोड्स की उपत्वचा
है ना। आर्थ्रोपोडा हमने पढ़ा है, आर्थ्रोपोड्स की जो एपिडर्मिस होती है वो किससे बनी होती है, काइटिन की बनी होती है ना। बहुलक बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन इकाइयों से बने होते हैं। सेलुलोज की तरह पदार्थ तंतुमय संरचनाओं का आकार लेता है। ये क्या करता है, एक बाहरी संरचना देने का काम करता है, कौन, काइटिन। इसके बाद है पैक्टिन। पैक्टिन अपरिपक्व पौधों के टिश्यूज़ में, यानी इमेच्योर जो प्लांट्स होते हैं उनके टिश्यूज़ में उपस्थित होता है। यह अंतराकोशिकीय यौगिक है, यानी इंटरसेलुलर होता है ये, और ये अमरूद, सेब और नाशपाती जैसे पके फलों में विशेष रूप से पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पैक्टिन पाया जाता है। किसमें, अमरूद में, सेब में और नाशपाती जैसे पके हुए फलों में। पैक्टिन एक अल्फा डी गैलेक्टोरोनिक एसिड पॉलीसेक्राइड है, जिसमें कुछ मुक्त कार्बोक्सिलिक समूहों को मिथाइल अल्कोहल के साथ एस्टरीकृत किया जाता है और अन्य को कैल्शियम या मैग्नीशियम आयनों के साथ जोड़ा जाता है। पॉलीगैलेक्टोरोनाइड्स पैक्टिन का रासायनिक नाम है। ठीक है, ये हो गए हमारा पैक्टिन तक। इसके बाद है इनका जैविक महत्व। ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगी, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।